कृष्ण, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट में मिलता थेपला, पालक से भरपूर। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड, हम आज मस्त एकदम हेल्दी ऐसा थेपला बनाकर तैयार करेंगे। आप लोग मेथी के थेपले तो सबने खाए होंगे, आज हम पालक के बनाएंगे। उसके लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, उसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे, धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा, 1.5 टेबल स्पून जितना ही। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जितना, और अजवाइन ऐड कर देंगे। थेपले के अंदर अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और थोड़ा सा तिल ऐड कर देंगे। कहीं लोग बोलते हैं कि घर पर हम बनाते हैं थेपले वो अलग होते हैं और बाजार में भी अलग मिलते हैं, मगर बाजार जैसा सेम टू सेम बनाना हो तो ये रेसिपी आप जरूर देखकर बनाकर ट्राई करना, सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। तो इसके अंदर मैंने हरा धनिया और मेथी की जगह पर मैंने पालक की यूज किया है। पालक से हमारा थेपला एकदम मस्त ऊपर से करारा और अंदर से एकदम सॉफ्ट ऐसा बनकर तैयार होगा, एकदम कुना कुना। तो उसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे मोन के लिए, और पानी से अच्छी तरह से डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम अच्छा वाला डो बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एकदम मस्त ऐसा डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो ऊपर से थोड़ा सा वापस ऑयल ऐड करेंगे और उसको मसल लेंगे। हमको ये डो एकदम टाइट भी नहीं रखना है और एकदम सॉफ्ट भी नहीं रखना है। हम रोटी का आटा बनाते हैं, इसी तरह का हमारा डो होना चाहिए। तो मैंने अच्छी तरह से डो बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो कितना मस्त हुआ ना हमारा डो तैयार। उसमें से छोटा सा एक लुआ ले लेंगे और उसको थोड़े से आटे में कोट कर लेंगे और अच्छी तरह से हम उसको बेल लेंगे। इस तरह से बेलने के बाद हम उसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। सेकने में आपको खास ध्यान रखना है, कहीं लोग पहले ही ऑयल ऐड कर देते हैं, मगर नहीं, पहले ऑयल के बिना इस तरह से सेक लेना है। एक साइड सेक जाए तो फिर दूसरी साइड हम उसको पलटा लेंगे और दूसरी साइड भी सेक लेंगे पहले। और फिर से हम ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा और उसको सेक लेंगे।
चलो फ्रेंड, हमने मस्त थेपला बनाकर तैयार कर लिया है, तो इस रेसिपी पर लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना भूले नहीं। बाय बाय।